नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी डेली करंट अफेयर्स के 19 से 20 सितंबर 2019 के वीडियो में। इस वीडियो के एमसीक्यू प्रैक्टिस हम हमारे careerdeskacademy.com पर कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसके अलावा इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे एमपी जीके डैश मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होता है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2019-20 में मध्य प्रदेश आदिवासी संस्कृति एवं देवठान संरक्षण योजना में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? यह चालू वित्त वर्ष में 10,60,00,000 रुपए का जो प्रावधान किया गया है वह इस योजना में किया गया है। यह मध्य प्रदेश आदिवासी संस्कृति एवं देवठान संरक्षण योजना क्या है? तो यह आदिवासियों की संस्कृति की जो संरक्षण और उनके जो कुलग्राम व जो ग्रामों में देवी देवता होते हैं, उनके स्थानों पर निर्मित देवगुड़ी, जो भी मढ़िया होती है, देवठान होते हैं, उसके निर्माण एवं जीर्णोद्धार के लिए यह योजना मध्य प्रदेश शासन द्वारा शुरू की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि आदिवासी समुदाय के जो पारंपरिक देव स्थान है, देवी स्थल है और संबंधित सांस्कृतिक है, धार्मिक विश्वासों और मान्यताओं के संरक्षण का विस्तार और प्रचार प्रसार करना है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। केंद्रीय सरकार की प्राप्त सहायता राशि से विद्युतीकरण के कार्यों की गुणवत्ता सुरक्षित करने के लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया है? मध्य प्रदेश शासन द्वारा केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता राशि से विद्युतीकरण के कार्यों की गुणवत्ता सुरक्षित करने के लिए साक्ष पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस जानते हैं इस साक्ष पोर्टल के बारे में। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल मुख्यालय के गोविंदपुरा स्थित पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग सेंटर में REC द्वारा तैयार किए गए साक्ष पोर्टल पर 16 सितंबर 2019 को एक कार्यशाला भी आयोजित की गई। पोर्टल से केंद्रीय सरकार से प्राप्त सहायता राशि से किए गए विद्युतीकरण के विभिन्न कार्यों की गुणवत्ता की सुनिश्चित की जाएगी। पोर्टल से RQM एजेंसी द्वारा निरीक्षण के दौरान पाई गई त्रुटियों कमियों के सुधार के बाद लोकेशन के अनुसार फोटो भी अपलोड की जाएगी। पूरी प्रक्रिया पेपरलेस होकर केवल साक्ष पोर्टल से ही पूरी होगी। भारत सरकार के निर्देश पर मध्य प्रदेश में स्वच्छता अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? यह स्वच्छता अभियान तो पूरे राज्यों में एक साथ चलाया जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश में भी आपका 2 से 27 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छता अभियान चलाया जाना है। मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिलों में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की थीम पर 2 अक्टूबर 2019 से पर्यटन पर्व भी आयोजित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय वन प्राणी सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? यह जो वन प्राणी सप्ताह है, वैसे हर वर्ष अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ही मनाया जाता है, जो कि 1 से 7 अक्टूबर में मनाया जाएगा। यह राष्ट्रीय वन प्राणी सप्ताह है। वन प्राणी सप्ताह के दौरान मध्य प्रदेश के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यान में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत वन विहार भोपाल में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। वन प्राणी सप्ताह का प्रारंभ चित्रकला प्रतियोगिता से 1 अक्टूबर से प्रारंभ होगा। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय चिकित्सा सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय चिकित्सा सम्मान समारोह का आयोजन उज्जैन में किया गया है। आइए डिटेल देखते हैं। चिकित्सा संस्थान न्यास उज्जैन की ओर से यह सम्मान समारोह 15 से 16 सितंबर 2019 को उज्जैन में अखिल भारतीय चिकित्सा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर डीन शर्मा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन पे हम देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपका। हबीबगंज भोपाल रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या होगा? अभी इसमें दिक्कतें हैं, लेकिन सरकार चाह रही है कि यह हबीबगंज भोपाल रेलवे स्टेशन जो है वो अटल जी रेलवे स्टेशन के नाम से विख्यात हो। इसके लिए हम डिटेल है वह देखते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक और सम्मान मिला है। जी हाँ, भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का अब अटल जी के सम्मान में अटल जी रेलवे स्टेशन के नाम से किया जाएगा। अब दोस्तों, इसमें क्या है कि नाम बदलने के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति जरूरी है। राज्य सरकार से स्वीकृति मिलते ही प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। अभी
केंद्रीय गृह मंत्रालय से स्वीकृति मिलते ही तत्काल हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया जाएगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हम विचार करेंगे, मध्य प्रदेश पर किस देश के बीच स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत बेहतर शिक्षा दी जाएगी? मध्य प्रदेश में संयुक्त अरब अमीरात के सहयोग से मध्य प्रदेश में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत बेहतर शिक्षा दी जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने 18 सितंबर 2019 को लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर मैथमेटिक्स में संयुक्त अरब के शिक्षा मंत्रालय के करिकुलम डेवलपमेंट की प्रमुख श्रीमती हेले हलूज और लुइस हॉल से स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम की संभावनाओं पर विचार किया। संयुक्त अरब अमीरात के लुइस हॉल के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार के साथ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम पर अमल करने से दोनों देश लाभान्वित होंगे। मध्य प्रदेश ने ऑनलाइन संपत्ति सेवाएं प्रदान करने में देश में कौन सा स्थान मिला है? मध्य प्रदेश को ऑनलाइन संपत्ति सेवाएं प्रदान करने में देश को प्रथम स्थान मिला है, यानी पहला स्थान मिला है। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन संपत्ति पंजीयन एवं अन्य सेवाओं में सराहनीय कार्य के लिए पंजीयन महानिरीक्षक के संपदा पोर्टल को उपभोक्ताओं ने देश भर में सर्वाधिक अंक दिए गए हैं। पंजीयन मुख्यालय ने दस्तावेजों का ऑनलाइन पंजीयन, दस्तावेजों की ऑनलाइन सर्च, दस्तावेजों की ऑनलाइन प्रमाणित प्रति की प्रदाय इत्यादि सेवाओं के लिए 100% अंक हासिल किए हैं। अभी स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2017-18 के लिए इजी ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत कई राज्यों की तुलनात्मक अध्ययन किया गया था। वह उस तुलनात्मक अध्ययन के बाद मध्य प्रदेश को ऑनलाइन संपत्ति सेवाएं प्रदान करने में देश को प्रथम स्थान मिला है। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता खोज 2019 में राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार कितने रुपए का दिया जाएगा? मध्य प्रदेश में राज्य जैव विविधता खोज 2019 में जो प्रथम पुरस्कार होगा वह 30,000 रुपए का होगा, वह भी राज्य स्तर पर। स्टेट लेवल पर प्रथम पुरस्कार 30,000 रुपए का दिया जाएगा। हमारे वन मंत्री उमंग सिंगार जी द्वारा 19 सितंबर 2019 को राज्य जैव विविधता खोज 2019 के पोस्टर पुस्तिका प्रश्न बैंक के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म का विमोचन किया। महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के आरंभ पर मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता खोज इस वर्ष जिलों में 5 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ होगा। यह प्रतियोगिता जो है वो हर वर्ष की जाएगी। जिला स्तर पर प्रथम पुरस्कार 3,000 रुपये का दोस्तों, और फिर द्वितीय 2,100 रुपये का, तृतीय 1,500 रुपये का दिया जाएगा। वहीं राज्य स्तर पर 30,000 रुपये का, द्वितीय 21,000 रुपये का, तृतीय 15,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। जिला स्तर पर 5 अक्टूबर 2019 को कोच होंगे और राज्य स्तर पर 5 नवंबर 2019 को भोपाल के मिंटो हॉल में इसका आयोजन रखा गया है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को आवासीय भत्ता योजना में आदिवासी विद्यार्थियों को संभागीय मुख्यालय के लिए कितने रुपए का प्रतिमाह भत्ता दिया जा रहा है? अभी वर्तमान में अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को आवासीय भत्ता योजना में 2,000 रुपये का, जो संभाग स्तर पर विद्यार्थी आदिवासी विद्यार्थी रह रहे हैं उन्हें प्रतिमाह 2,000 रुपये का भत्ता दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में छात्रावासों में स्थान नहीं प्राप्त कर सके अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को आवासीय भत्ता उपलब्ध कराया जा रहा है। 2017-18 में इसमें 65,304 विद्यार्थी लाभान्वित हुए थे। 2018-19 में 28,470 विद्यार्थियों को इस योजना में लाभान्वित किया गया है। योजना में आदिवासी विद्यार्थियों को संभागीय मुख्यालय के लिए हम बता ही चुके हैं 2,000 रुपये, जिला मुख्यालय पर 1,250 रुपये और तहसील मुख्यालय पर 1,000 रुपये प्रतिमाह आवासीय भत्ता प्रदान किया जा रहा है। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो पिछली बार पहले ये दोस्तों विचार करने से पहले जो पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था उसमें एक मध्य प्रदेश शासन द्वारा सैटेलाइट शिक्षा योजना चलाई जा रही है। यह योजना मध्य प्रदेश के सुदूर जनजातीय अंचलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अध्ययन अध्यापन में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर सैटेलाइट शिक्षा योजना चलाई जा रही है। यह भी जनजातीय अंचलों से जो दूर हैं उनके लिए चलाई जा रही है। इस कोशिश से आदिवासी विद्यार्थियों के शिक्षा स्तर में सुधार आ रहा है। आदिवासी क्षेत्रों में 50 शैक्षणिक संस्थाओं में सैटेलाइट इंटरैक्टिव टर्मिनल SIT केंद्र बनाए गए हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो पिछली बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जो हमारा 15 से 18 का वीडियो था। दोस्तों अब हम डेली वीडियो अपलोड करेंगे आपके, किसी कारण से नहीं हो पा रहे थे, कि मध्य प्रदेश में निम्न में से कहां पर जैविक कपास अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित किया गया है? तो यह प्रस्तावित किया गया है आपका
खरगोन में दोस्तों। इसका आंसर बी आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन से, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अभी हाल ही में इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? इसमें से चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। इसमें से एक आंसर आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। और दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है कि इसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस आप हमारे careerdestacademy.com पर कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है दोस्तों। दोस्तों आपको PDF मिलने में अभी समस्या आ रही है और हमारे जो डेली वीडियो अपलोड हैं वह भी नहीं हो पा रहे हैं। अब हम दोस्तों डेली वीडियो अपलोड किया करेंगे। और यह वीडियो आपको यदि हम किसी कारणवश ये दिन मतलब पर डे किसी कारणवश नहीं अपलोड हो पाया करेगा तो हमारा सुबह 5 बजे ही आपको जो है वह वीडियो प्राप्त होगा दोस्तों। जो भी वीडियो प्राप्त होगा अब आपको 5 बजे ही प्राप्त होगा, आपको इरेगुलरली यह MP डेली करंट अफेयर्स की वीडियो प्राप्त नहीं होगा दोस्तों। 5 AM यानी AM यानी छूट भी जाएगा तो आपको 5 AM ही मिलेगा। इससे क्या है आपको सुबह उठते ही आप रिवीजन कर पाएंगे और MP डेली करंट अफेयर से अपडेट हो पाएंगे दोस्तों। तो हाँ, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर करें वीडियो दोस्तों। और हमारा जो दूसरा वीडियो होगा वह 21 से 22 ये सितंबर का होगा और 23 सितंबर के हमारे जो है वो अलग अलग जो है पर डे के वीडियो अपलोड होंगे दोस्तों। तो हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स।